पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के तत्वावधान में ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पर आयोजित 5 दिवसीय ऑटम फेयर के चौथे दिन कई निर्यातकों पर विदेशी खरीदारों ने ऑर्डर बरसाए। पिछले 3 दिनों से चल रहे बिजनेस इंक्वायरी के सिलसिले को चौथे दिन कई ग्राहकों ने निर्यातकों को ऑर्डर बुक कराकर मुकाम तक पहुंचाया। सेवन सीज इंटरनेशनल के अब्दुल्ला और अब्दुल अजीज ने कहा कि यूरोप और खाड़ी देशों से पहुंचे कई ग्राहकों ने इनोवेशन युक्त उत्पादों को हाथों हाथ लेते हुए ऑर्डर प्लेस किए हैं। ऑटम फेयर कमेटी के चेयरमैन और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने फेयर के बीते चारों दिनों को कामयाब बताते हुए निर्यातकों को काफी संख्या में ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई है। मुरादाबाद के कई निर्यातकों को मेले में उम्मीद के अनुरूप काफी अच्छा कारोबार मिला। निर्यातकों ने फेयर की कामयाबी पर खुशी जताई है। फेयर स्थल पर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह पहुंचे। उन्होंने फेयर में लगे मुरादाबाद के कुछ स्टॉलों का भी भ्रमण किया। एमएचईए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, यस के मेंबर शैलेश खन्ना, विनय गुलाटी, नीरज खन्ना, नजमुल इस्लाम के साथ और भी निर्यातक इस दौरान उपस्थित रहे। Yeah, does everything with gardening and outdoor living. So I'm here in India by myself, actually. So I'm all alone this time. And so we're trying to exploit India more. Let's say discover India more, because we have an office in India. So far, so good. I just arrived yesterday in India, my first time also. And now a couple of hours here on the fair, and it's very good. All well organized. Yeah.